दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स क्या होता है और आप इसे देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंडिया विक्स और आपको इसका चार्ट ओपन कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया विक्स शो क्या करता है। इंडिया विक्स शो करता है कि मार्केट में अभी किस तरीके का माहौल है, यानी पैनिक सिचुएशन है या माहौल शांत है। शांत मतलब होता है कि अभी यहाँ पर ना बायर डरे हुए हैं ना सेलर, क्योंकि अगर इंडिया विक्स का जो प्राइस है काफ़ी बढ़ जाता है, 15 से 20 रुपए के आसपास आ जाता है, तो जो हम प्रीमियम फ्राइडे को देखते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होता है। मतलब प्रीमियम हमें महंगे मिलते हैं जब इंडिया विक्स का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन जब इंडिया विक्स डाउन हो जाता है तो प्रीमियम का भी प्राइस डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सेलर लोग कम इंटरेस्ट बनाते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम उन्हें 500 के मिलना होगा वो अभी इंडिया विक्स के डाउन होने के बाद वो 250 के मिलना है। इसकी वजह से वो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा अच्छा मोमेंट नहीं मिलता है। और आप इंडिया विक्स का प्राइस को देख कर आप पता कर सकते हैं कि मार्केट कितना मोमेंट कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया विक्स का जो प्राइस अभी 10.56 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब इससे हमें यह पता चल रहा है कि एक साल के अंदर निफ्टी 50 10.56% मूवमेंट कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब 10.56% या तो ऊपर जा सकता है या तो 10.56% नीचे जा सकता है, इतना इसमें वॉलेटाइलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया एक साल का कि एक साल में निफ्टी 50 इतना परसेंट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक महीने में पता करना है या एक वीक में पता करना है या एक दिन में पता करना है, वो भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर रूट निकाल लेना है। जैसे 12 का आप यहाँ पर रूट निकाल लीजिए तो कितना जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 3.46। अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पर इंडिया विक्स का प्राइस चल रहा था, इंडिया विक्स का प्राइस चल रहा था 10.56 रुपीज़ चल रहा था, इसे आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर लेना है और हमने जो अभी 12 का रूट निकाला था, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3.56 आया था, इसी से आपको डिवाइड कर लेना था। यहाँ पर हम 3.46 यहाँ पर हम इससे, और जो हमने यहाँ पर 12 का रूट निकाला था 3.46 आया था, उससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि निफ्टी 50 एक महीने में कितना वोलेटाइल रह सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3% आ गया, इससे हमें यहाँ पता चला कि निफ्टी 50 एक महीने में 3% या तो अपसाइड का मोमेंट कर सकता है या डाउनसाइड का मोमेंट कर सकता है। इसी प्रकार से आप वीकली भी निकाल सकते हैं। वीकली को निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट को क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है 52 करने के बाद यहाँ पर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7.21। अब क्या करना है, जो इंडिया विक्स का प्राइस है उसको 7.21 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इंडिया विक्स का जो प्राइस चला था 10.56 चल रहा था और हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 7.21 से, 7.21, तो 7.21 हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1.46%, यानी निफ्टी 50 एक वीक में 1.46% अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है या डाउनसाइड का मूवमेंट कर सकता है। ये हो गया वीकली वॉलेटिलिटी की, एक वीक में इतना हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेली मतलब एक दिन में कितना परसेंट मूवमेंट कर सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर रूट क्लिक कर लेना है एंड 365 इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है, यानी आप यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 19.10, यानी ये हमें मिल गई वैल्यू। तो इसको हम अब डिवाइड कर देंगे 10.56 से, तो यहाँ पर हम 10.56 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू आई है 19.10। यहाँ पर हम इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पर मिल गया 0.55%, यानी निफ्टी 50 एक दिन में 0.55% अपसाइड या तो मोमेंट कर सकता है या डाउनसाइड मोमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से आप डेली, वीकली, मंथली या ईयरली आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर आप पॉइंट को पता करना है कि निफ्टी 50 एक दिन में कितना पॉइंट बढ़ सकता है, एक वीक में कितना पॉइंट बढ़ सकता है, या एक मंथ में कितना पॉइंट बढ़ सकता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक मंथ का आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली मान लेते हैं कि निफ्टी 50 अभी 19,800 पे चला, इसी के आसपास चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि निफ्टी 50 अभी 19,800 पे चल रहा है, तो यहाँ पर हम 19,800 इंटर कर देते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था कि निफ्टी 50 एक महीने में 3% या तो अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है या डाउनसाइड का। तो सिंपली आपको इसका 3% निकाल लेना था। यहाँ पर आपको परसेंटेज क्लिक कर लेना है, 3 को क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर आ गया 594। इसका मतलब निफ्टी 50 एक महीने में 594 पॉइंट या तो अपसाइड मूवमेंट कर सकता है या डाउनसाइड। तो ये तो हो गया एक महीने का। अगर आप एक वीक का पता करना चाहते हैं तो इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जितना जो निफ्टी 50 का प्राइस चला उसको आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है, परसेंटेज को क्लिक करना है। और हमने वीकली परसेंटेज 1.45% के आसपास यहाँ पर निकाला था, तो सिंपली यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं 1.45। इसके बाद यहाँ पर हम इक्वल कर लेते हैं, तो 287 पॉइंट हमें यहाँ पर निकल के आ रहा है कि निफ्टी 50 एक हफ्ते के अंदर या एक वीक के अंदर 287 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड का कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डेली का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेली का कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से यहाँ पर हमें जो निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा था उसको इंटर कर लेना है, एंड यहाँ पर हमें परसेंटेज पे क्लिक कर लेना है। हमें परसेंटेज निकला था डेली 0.55%, तो यहाँ पर हम 0.55% यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड इक्वल कर देते हैं। तो ये 108 पॉइंट हमें निकल के आया है, मतलब निफ्टी 50 एक दिन में अभी के अकॉर्डिंग 108 पॉइंट का मोमेंट एवरेज में कर सकता है, यानी 108 पॉइंट या तो अपसाइड का मोमेंट कर सकता है या डाउनसाइड का मोमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिया विक्स की हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया विक्स के बारे में पता चला होगा किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इंडिया विक्स क्या होता है या हमें क्या बताता है। इसके बारे में बहुत लोगों को कम पता होता है, तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।